उसके बगैर या उसके टीम में ना होने से वो वो जो एक वहाँ पर जो एक फैक्टर रहता है वो जो एक यहाँ पे ऑडियंस को जो जमा करने वाली एक चीज रहती है वो आई डोंट डों किसी भी जो वो दूसरे पर्सन के आने की वजह से जो वो गैप फिल हो सकता है यही चीज हमें जब इस टाइम के ऊपर देखने को भी मिल रही है लेकिन देन टाइम जब स्टार ने इस की जब अनाउंसमेंट की कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हिज हेल्थ इशूज आउट देर कि वो जो है ऑब्वियसली एक ऐसे प्ले रहते हैं जिन्होंने काफी ज्यादा टाइम जो उस पर खेलना शुरू कर दिया था आईपैड पर तो डेफिनेटली जब आप एक बड़ी डिवाइस पे जाते हो लगे अपनी बात करूँ तो डेफिनेटली मैं भी एक टाइम पे था कि मैं एमुलेटर में प्ले किया करता था लेकिन देन अ टाइम गेम एज वेल के जब मेरा जो था एक इंटरेस्ट था मेरा डेफिनेटली मुझे जब भी मैं एमुलेटर के जब प्लेटफॉर्म को देखा करता था तो मुझे ये चीज बार बार हिट करती थी कि एमुलेटर जब एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके लिए गेम बनाई गई है यहाँ पे अगर आप कंपटीशन की बात करो तो डेफिनेटली जो कंपटीशन मोबाइल क्योंकि इस गेम के साथ मोबाइल का लफ्ज लगा हुआ है तो जो कम्पिटन यहाँ पे मोबाइल पर के आपको करना चाहिए वो यकीन आप एमुलेटर वाली साइड पर के आप चीज को नहीं नहीं कर सकते सो दैट्स दट मैंने जो एमुलेटर को छोड़ा है मैं मोबाइल वाली साइड पर आया तो मैं अगर अपनी खुद की बात तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी स्क्रीन पर खेल खेल के जब मैं मैं खुद छोटी स्क्रीन पर आता तो मेरा खुद जो मतलब इवन एट टाइम थी उनसे पानी निकल रहा होता था, था मुझे खुद बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था, था कि यार ये जो स्क्रीन है मतलब तो छोटी स्क्रीन होगी मसले मिसाइल जब आ रहे हैं मैं इस पे शायद ना खेल या दोबारा फिर से एमुलेटर पे जाना चाहिए लेकिन स्टिल आई न्यू दैट कि नहीं ये चीज सही नहीं है एमटर जो उसका कोई फ्यूचर नहीं उसका कोई फायदा नहीं है अगर कुछ करना है तो मोबाइल के अंदर ही आपको रहकर चाहिए तो डेफिनेटली मैंने खुद जो उस मोबाइल पर खेलना स्टार्ट कर दिया था दिन जाके अभी भी भी अभी मैं खुद जो है मोबाइल पर हूँ सो फार एज द एजनिमस केस इज एज एक्टली उस केस की बात करें तो डेफिनेटली वो भी जो है क्योंकि उन्होंने कॉन्टेंट अपना जो है वह बनाना होता था चैनल के लिए आप लोगों के लिए उन्होंने कॉन्टेंट रेगुलर बेसिस पे लेके आने और अगर आप कॉन्टेंट क्रिएटर हो तो आई थिंक ऑब्वियसली आपको जो है वो वही डिसीजन लेना पड़ते हैं जो आपकी ऑडियंस चाहती है जो आप एक चीज के लिए मेहनत करते रहे आपने टाइम स्पेंड किया आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आप अब उसको जो है अपनी उस मेहनत को आप अपने जो है ऑडियंस को नाराज करके उस सारी मेहनत को वहाँ पे जाया कर लो तो डेफिनेटली उनकी ऑडियंस उनसे खुश चल रही थी चल रही थी ही थॉट दैट मुझे अब जो है वो सिनेरियो को स्नारियों कंटिन्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मैं कंपेरेटिव कंटिन्यू करता हूँ तो

टीम्स है वहां पे ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते वो कर सकते हैं लेकिन जो एक बुरी चीज टीम के साथ होती रही है जो संभव एक बैड लक रही है टीम की वो एक्चुअली यही रही है कि टीम स्टार्स है वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाई है स्टार के अंदर जो भी प्लेयर आया उसको ज्यादा देर तक जो है वो प्लेय शायद रोक नहीं सके या शायद वो टीम के अंदर रुक नहीं पाई है ड्यू टू तो सम इशू दो कुछ भी चीज हो सकती है ये तो अब टीम के अंदर जो प्लेयर रहते हैं उन्हीं को पता है कि क्या एक फैक्टर ऐसा रहा है कि क्यों जो वो टीम नहीं बन पा रही है हर बंदा ही कोशिश करता है कि हम अपने लिए अच्छा ही प्ले करें टीम के लिए अच्छा प्ले करें लेकिन स्टिल अनफॉर्चुनेटली टीम स्टार विद स्टार एनोनिमस एंड देन टीम स्टार विद विदाउट स्टार